लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए भारत अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। अब देश की सेना आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती जा रही है। मेड इन इंडिया के तहत नए नए हथियारों को सेना में शामिल भी किया जा रहा है और नए नए स्वदेशी हथियारों को विकसित भी देश में ही किया जा रहा है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना के साथ मिलकर डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में अर्जुन टैंक से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागा गया, जिसने अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से प्रहार किया। वहीं समंदर की सरहदों को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान को लहरों के नए योद्धा मिल चुके हैं। यहां भी आत्मनिर्भर भारत को स्वदेशी ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिल गई है। मंगलवार को भारतीय तटरक्षक बलों को ध्रुव हेलीकॉप्टर के 3rd स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है। हाल ही में भारत ने लेह में मौजूद अपनी सेना को नए सुरक्षा कवच सिलेक्ट किया। मेड इन इंडिया लड़ाकू वाहन सेना को सौंपे गए हैं। इससे न सिर्फ दुश्मनों के रडार से इसे बचाया जा सकेगा, बल्कि जब ये वार करेगा तो दुश्मन बच भी नहीं पाएगा। तो आइए सबसे पहले बात मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की करेंगे, जिसने भारत की मिसाइल ताकत को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक अर्जुन टैंक से इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसने अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक प्रहार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके सफल परीक्षण पर डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की सबसे ताजा और ताकतवर तस्वीर है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज से स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड का सफल परीक्षण किया। युद्धक टैंक अर्जुन से दागे गए इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने उम्मीद के मुताबिक अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक प्रहार किया। कम से कम दूरी से लेकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता वाली भारतीय लेजर गाइडेड मिसाइल दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भारतीय सेना के साथ मिलकर डीआरडीओ ने तैयार किया है। डीआरडीओ ने वीडियो के साथ ट्वीट कर इस कामयाबी की जानकारी दी। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण इसीलिए भी अहम है कि इसने लोअर रेंज में टारगेट को हिट किया, क्योंकि निचली सीमा में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एटीजीएम ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। टेलीमेट्री सिस्टम के माध्यम से मिसाइल के संतोषजनक प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया गया, इससे पहले कि परीक्षण अधिकतम रेंज के लिए सफल रहे हैं। एटीजीएम को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है, यानी इसे जमीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इसका सफल परीक्षण एमबीटी अर्जुन की 120 मिलीमीटर राइफल गन से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेजर गाइडेड एटीजीएम में संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को 1.5 से 5 किलोमीटर के दायरे में प्रहार करने की क्षमता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी बस दागो और भूल जाओ, टारगेट ना तो भाग सकता है ना छिप सकता है। ये मिसाइल उसे नष्ट करने तक उसका पीछा करती रहती है, यानी दुश्मन के टैंक का इस मिसाइल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिंदुस्तान पूरी रफ्तार से रक्षा में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ अरसे से जल, थल और नभ में देश ने अपनी ताकत में कई गुना इजाफा किया है। हिंदुस्तान दुश्मन मुल्कों पर पहले हमला करने का पक्षधर नहीं, लेकिन दुश्मनों को पूरी ताकत से जवाब देना खूब जानता है और इसीलिए किसी भी विपरीत हालात के मद्देनजर भारत का सुरक्षा चक्र
पूरी मजबूती के साथ तैयार है, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन देश के लिए आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उधर भारतीय तटरक्षक बल को भी ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर के रूप में एक नई ताकत मिल गई है। अब गुजरात के पोरबंदर में मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का तीसरा स्क्वाड्रन कमीशन किया गया और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो हैं वीएस पठानिया, उन्होंने खुद पोरबंदर के तट से इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और अरब सागर में सुरक्षा में मुस्तैद एक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की। इसके कमीशन होने की वजह से पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। समंदर की सीमाओं को महफूज रखने में जुटे भारतीय तटरक्षक बलों की मदद के लिए अब एक और जाबाज रक्षक की एंट्री हो गई है। इस नए रक्षक का नाम है ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मेड इन इंडिया पूरी तरह स्वदेशी इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से भारतीय तटरक्षक बलों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। मंगलवार को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल ने ध्रुव मार्क 3 के एक स्क्वाड्रन को सेवा में शामिल किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया ने खुद पोरबंदर के तट से इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और अरब सागर में सुरक्षा में मुस्तैद एक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की। We have in the Coast Guard. This is the latest technology that the HAL has provided us, and it's a made in India helicopter. This has strengthened our reach, strengthened our capabilities. Today, with the multi-engine helicopter, I can go deeper into the sea, provide assistance to fishermen, check whatever activities happening, carry out surveillance. हिंदुस्तान तीन तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मनों से खतरा भी तीन गुना बढ़ जाता है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स की मुस्तैदी से देश की समुद्री सीमा हर वक्त महफूज है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की हिफाजत को मजबूत करने के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को शामिल किया जाना रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत का नया सबूत है। अत्याधुनिक निगरानी रडार, संचार, सुरक्षा उपकरणों से लैस है ध्रुव, यानी टोही विमान के साथ साथ ये हमलावर हेलीकॉप्टर है। इसमें 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन लगाई गई है। यह हेलीकॉप्टर 1800 मीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से मार सकता है। यह हेलीकॉप्टर सभी मौसम में कार्य करने के लिए सक्षम है। भारतीय तटरक्षक के हवाई जहाजों के लिए इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। ये सभी प्रकार के हवाई जहाजों में जितने भी दुनिया में हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं मोस्टली उनमें यूज की जाती है। इसका जो मॉडिफिकेशन नीचे बेस प्लेट वगैरह है ये एएलएच ध्रुव, ये मार्क 3 वर्जन है, तो इसके हिसाब से मॉडिफिकेशन किया गया है। इसको हम किसी भी स्थान सर ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम मारक क्षमता है वो 6500 मीटर है सर, और जो इसकी इफेक्टिव मारक क्षमता है जहां तक ये डेफिनेटली अगर हिट हुआ तो मृत्यु पति है तो 1850 मीटर है सर। इसका जो बैरल है वो 12.7 एमएम है, ग्राउंड 450 कैलिबर है, और ये एक मिनट में 1150 राउंड फायर कर सकती है। ये हमारा एम्यूनिशन बॉक्स है, एम्यूनिशन बॉक्स से सीधा जाके बेल्ट कनेक्ट होगा, यहाँ पे राउंड डलेगा, हम सीधा अपन से बिल्कुल आराम से आप अपने टारगेट को लो पोजिशन तक हीट कर सकते हो। अगर आपका जो टारगेट है जिसे आपसे हमला करना है दूर है तो आप इसको अपने हिसाब से दूर भी ले जा सकते हो। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ध्रुव हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन अब तक कमीशन किए जा चुके हैं। मंगलवार को शामिल हुआ ध्रुव मार्क 3 का यह तीसरा कमीशन था। आईसीजी के मुताबिक कम से कम 13 एएलएच एमके 3 विमान शामिल किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का हिस्सा बनने के लिए स्क्वाड्रन ने 1200 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी है। इतना ही नहीं, द्वीप तट पर पहली बार रात में तलाश और बचाव अभियान चलाने समेत कई अभियानों को पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही। इस बीच चीन की सरहद से लेकर समुद्र की सीमा तक भारत की सेना ने सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच बना लिया है जिसे भेदना दुश्मन के बस की बात
बिल्कुल नहीं है। पहला कवच है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसे पूरी तरह से देश में तैयार किया गया है। हाल ही में लेह में उसका टेस्ट भी किया गया है। ये सैनिकों को फायरिंग कवरिंग देने के साथ साथ वॉर जोन में ले जाने में पूरी तरह से सक्षम माना जा रहा है। तो वहीं समुद्र में रखवाली के साथ ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक खास तरह के मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, जो रडार से बचने वाले मिसाइलों को भी निशाना बना लेगा। साथ ही इस मिसाइल की चाल को कोई भी पकड़ नहीं सकता। देखिए पूरी खबर इस खास रिपोर्ट में। जमीनी सरहद पर दुश्मन को चौंकाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ समुद्री सीमा पर शत्रु को घेरने के लिए घातक मिसाइल का चक्रव्यूह। चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे लेह में मेड इन इंडिया इन्फेंट्री का लड़ाकू वाहन। नौसेना के एक युद्धपोत पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। ये हथियार नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जिसे दुश्मन भेद नहीं पाएगा, कितना भी बड़ा रडार पता नहीं लगा पाएगा, और जब ये वार करेगा तो दुश्मन बच भी नहीं पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेड इन इंडिया इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन की, जिसका लेह में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जायजा लिया। इसे एक गाड़ी मत समझिए, ये जवानों का अभेद्य सुरक्षा कवच है, जो इन्हें सुरक्षित बेहतर सुरक्षा कवरिंग फायरिंग देते हुए वॉर जोन तक ले जाता है। इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। ड्राइविंग सीट से 1800 मीटर दूर तक साफ देखा जा सकता है। इसे कई आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। हथियारों को गाड़ी के अंदर से भी नियंत्रित किया जा सकता है। चीन से तनातनी और सीमा विवाद को देखते हुए सेना के पुराने कॉम्बैट व्हीकल को बदलने का फैसला किया गया था। साथ ही ये भी तय किया गया था कि सेना की जरूरतों को देखते हुए इसे मेड इन इंडिया के तहत देश में ही बनाया जाएगा। एक साल बाद सोच साकार होती नजर आई और लेह पर चीन की सीमा पर इन अत्याधुनिक लड़ाकू वाहनों की तैनाती कर दी गई। भारत ने खुद जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अभी डीआरडीओ ने बनाया है, एक बहुत ही अच्छी व्हीकल है। इसके अंदर प्रोटेक्शन है और ये लड़ाई के दौरान जिस प्रकार से टैंक्स हैं, इसी प्रकार से ये इन्फेंट्री के एक सेक्शन से ज्यादा स्ट्रेंथ को कैरी कर सकती है एक जगह से दूसरा। ये वो सुरक्षा कवच है जो देश की समुद्री सीमा की निगरानी को घातक हमले के जवाब में तब्दील करेगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत से एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो आसमान से आते खतरे को पल में तबाह कर सकती है। ओडिशा के चांदीपुर तट पर भारतीय नौसेना के एक जहाज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSR SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहले ये जान लेते हैं कि VLSR SAM क्या होता है। ये मिसाइल सी स्किमिंग तकनीक से लैस टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। सी स्किमिंग तकनीक एंटी शिप मिसाइलों लड़ाकू विमानों में होता है। इसकी मदद से ये मिसाइल रडार और इंफ्रारेड की पकड़ से बच जाते हैं। समुद्र की सतह के करीब से उड़ने की वजह से इन्हें खोज कर खत्म करना मुश्किल होता है। ये जो वर्टिकल टेकऑफ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत ने बनाई है, ये एक बहुत आधुनिक है और ये आधुनिक जो रूपरेखा से बनी हुई है। इसका जो लेजर गाइडेड सिस्टम है, बाकी ये एक बहुत मॉडर्न है और ये भारत के अंदर खुद बनी हुई है और ये एक प्रकार से शॉर्ट टारगेट को हिट करती है। ये हथियार नहीं,
डीआरडीओ के दो अनमोल रत्न हैं, जिसे बहुत ही मेहनत से देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। ये ऐसे रत्न हैं जो समय पर दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो डीआरडीओ के दो सुपर कमांडोज के बारे में तो आपने जान लिया, उनकी ताकत भी देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि अरब सागर में हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर इस कदर हादसे का शिकार हुआ कि उस पर सवार 9 लोगों की सांसें अटक गई, लेकिन सभी सवारों को सुरक्षित बचा लिया गया है। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें अरब सागर की है। मुंबई के पास अरब सागर में पानी के ऊपर चक्कर काट रहा ये हेलीकॉप्टर एक ऐसे भंवर से निकला है जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जा रहा था। हेलीकॉप्टर अरब सागर में मुंबई से 64 नॉटिकल मील की दूरी पर ONGC के रिग पर उतरने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर अचानक समंदर में गिरने लगा तो इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। उस पर 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे राहत बचाव दल ने सभी सवारों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की। जानकारों की माने तो अरब सागर में जिन हालात में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, लेकिन वक्त रहते जानकारी मिलने पर समुद्री इलाके में मौजूद जहाज, नौसेना के हेलीकॉप्टर और रिग की बोट ने ऑपरेशन को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सरहदों पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम बड़े कदम सेना में उठाए जा रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार में प्राथमिक स्कूलों में धांधली ना हो पाए इसके लिए भी एक बड़ा फैसला किया गया है। अब सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। मिड डे मील के अलावा यूनिफॉर्म, किताबें जैसी सुविधाओं के लिए भी स्कूल में बच्चों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे धांधली लगाने पर रोक लग पाएगी। प्राथमिक स्कूलों में अब नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा। एक साथ दो स्कूलों में एनरोलमेंट पर भी लगेगी लगाम। स्कूल में बच्चों को मिलेगा सरकारी योजना का पूरा लाभ। ये सारी बातें संभव होंगी सरकार की नई तैयारी से। यूपी सरकार ने प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। छात्रों के आधार कार्ड का रिकॉर्ड स्कूलों में रखा जाएगा, जिसके सत्यापन के बाद ही उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताब जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं वो अब उनको तभी मिल पाएंगी जब उनका अपना आधार कार्ड होगा। इससे पहले माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड पर वो सुविधाएं मिलती थी और वो भी कई बार जरूरत पूरी नहीं कर पाते थे, आधार उनके पास नहीं होता था, लेकिन अब सरकार ने ये बिल्कुल तय कर दिया है कि आधार कार्ड बच्चों का होना जरूरी है, तभी उनको सुविधाएं मिलेंगी। आधार कार्ड की बढ़ती जरूरत को लेकर अब अभिभावक भी इसकी अहमियत समझने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि ज्यादातर बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार कार्ड बनाना तो सही है, हर जगह मतलब जरूरत पड़ती है। बिना आधार कार्ड के आजकल एडमिशन नहीं हो रहा है, तो बिना आधार कार्ड के कुछ हो नहीं सकता है। सरकार की इस मुहिम को पूरा करने में अध्यापकों ने भी पूरी कमर कस रखी है। इसके लिए वो घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आधार कार्ड के बिना बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन सुविधाओं के लाभ के लिए आधार लगाना अनिवार्य होगा। आधार बहुत जरूरी हो गया। पहले हम लोग एक आधार पे किसी के भी हम लोग बच्चे का एडमिशन कर लेते थे, अभी भी कंपलसरी है, बट ये ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का आधार नहीं है तो हम उसमें एडमिशन नहीं करेंगे। एडमिशन हमें करना है, लेकिन उसको हमें प्रक्रिया में लाकर उसका आधार बनवाकर वो कार्य पूरा करना है।
अब बच्चों के आधार कार्ड के बिना यूनिफॉर्म, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए आने वाली रकम भी बैंक से नहीं निकाली जा सकेगी। अब आप समझिए यूपी में फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अभी 1,30,000 प्राइमरी और बेसिक विद्यालय हैं। इनमें अभी 1,88,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। इस बार स्कूल के एनरोलमेंट का लक्ष्य है। पहले इस तरह की व्यवस्था रही कि छात्र एक ही बच्चा दो दो स्कूल में नामांकन उसका हो जाता था, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों के नामांकन पे, बच्चों की फिगर्स पे हमको फर्क आता था। तो इससे हम सब लोग के पास में एक एग्जैक्ट फिगर्स होगा कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में कितने बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों तक बिना फर्जीवाड़े के सरकारी सुविधाएं पहुँचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इससे निपटने के लिए बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ना सबसे मुफीद तरीका है। दो स्कूलों में पंजीकरण जैसी धांधली इसी व्यवस्था से ही रोकी जा सकती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है सरकार की ये मुहिम रंग लाएगी, फर्जीवाड़ा रुकेगा और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भाई बहन का रिश्ता बेहद खास होता है। उनकी नजदीकी, उनकी दोस्ती, उनकी लड़ाई झगड़े, चर्चा परिवार के अलावा दूर दराज के रिश्तेदारों के बीच में भी होती है। लेकिन आज हम आपको भाई बहन से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। केरल के इडुक्की जिले में एक बहन ने अपने भाई के प्रति अपना प्यार जताने के लिए एक अनोखा सा रास्ता निकाला। दरअसल बहन ने भाई को वर्ल्ड ब्रदर्स डे की बधाई नहीं दी थी। अपनी बिजी रूटीन के चलते केरल की कृष्णप्रिया ने अपने भाई को इस दिन बधाई नहीं दी। इस बात का उन्हें इस हद तक अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने छोटे भाई कृष्ण प्रसाद के लिए एक लंबी चिट्ठी लिखी। ये खत करीब आधा किलोमीटर लंबा है। खत की कुल लंबाई 434 मीटर है, जबकि इसका वजन 5 किलो है। इसे लिखने वाली कृष्णप्रिया बताती हैं कि मैंने इस खत में अपने भाई के जन्म से लेकर उनके इंजीनियरिंग के दिनों के बारे में लिखा है। मुझे ये खत लिखने में 12 घंटे का वक्त लगा। इन चिट्ठियों को पाकर कृष्ण प्रसाद के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। भाई को लिखी इस चिट्ठी को लेकर कृष्णप्रिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आवेदन भेज दिया है ताकि सबसे लंबी चिट्ठी लिखने का रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हो सके। बाबा विश्वनाथ अब शादी ब्याह के साक्षी बनेंगे। जी हां, दरअसल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अब श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होने जा रही है। शादी जैसे सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए भी सुविधा यहां पर दी जाएगी। साथ ही मंदिर प्रशासन की तरफ से और क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम पर अब बजेंगी शहनाइयां। यहां पर मंगल गीत गाए जाएंगे। दूल्हे और दुल्हन लेंगे सात फेरे और बाबा के आशीर्वाद से करेंगे एक नई जिंदगी की शुरुआत। यही नहीं, बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर में अब पूजा पाठ के अलावा मुंडन और उपनयन जैसे और भी मांगलिक और सामाजिक कार्यों को पूरा करने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जब से नवनिर्माण हुआ है, हम लोग लगातार श्रद्धालुओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उनको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और हर वो अवसर जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक क्रियाकलाप करने में मदद मिले हम लोग लगातार उनमें वृद्धि कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है ताकि बाबा के यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए एक नया कॉरिडोर बनाए जाने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं काफी बढ़ गई हैं। चाहे अक्षय दर्शन हो या फिर कोई और धार्मिक कर्मकांड संबंधी कामकाज या फिर संगोष्ठी सेमिनार जैसी सामाजिक कार्य हो, हर तरह के कार्यक्रम के लिए यहाँ अब पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने शादी विवाह और इन सब सामाजिक कार्यों के लिए प्लान करते हुए एक RFP प्रूट किया है, जिसमें कि हम लोगों ने इनवाइट किया है सबकी कोई आकर के यहाँ पे पूरी व्यवस्था ऑर्गेनाइज करके कोई कॉन्ट्रेक्टर अपना शादी विवाह कराने का अवसर उन सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। कई लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर परिसर में इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सामान्य नियम ही लागू होंगे और किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी जो धार्मिक रूप से मान्य ना हो। साथ ही साथ मंदिर परिसर में होने वाले तमाम कार्यक्रमों में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे जन भावना को ठेस पहुँचे। चूँकि सामाजिक कार्यक्रम में भीड़भाड़ की संभावना होती है, लिहाजा व्यवस्था इस तरह से की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और परिसर में रौनक भी बनी रहे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जेल में शुरू हुई एक अनोखी पहल के बारे में बताते हैं। दरअसल मुरादाबाद की जेल में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क तैयार किया गया है, बनाया गया है। जेल के अंदर सजा काट रही महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को ख्याल में रखते हुए इस चिल्ड्रन पार्क को तैयार किया गया है। बचपन की मासूमियत बरकरार रहे, सलाखों के पीछे भी जिंदगी खिलखिलाए, मस्ती में खेलें, सीखें और आगे बढ़ें। इसी मकसद से मुरादाबाद की जिला जेल में प्रदेश का पहला चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। झूले पर झूलते मुस्कुराते ये बच्चे जेल में सजा काट रही महिला बंदियों के हैं। जेल का माहौल और मां की सजा का असर इन मासूमों पर न हो, इसका ख्याल रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से ये अच्छी पहल की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी जेल बनी है जहाँ के बच्चों को खेलने के लिए, जो महिलाओं के साथ 6 साल तक के बच्चे रहते हैं, पार्क, चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई है। माननीय मंत्री जी ने जो विभागीय अधिकारियों की पहली बैठक ली थी उसमें निर्देश दिए थे कि सभी जेलें बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग स्थान निर्धारित करें तथा महिलाओं से अलग रखकर बच्चों को खेलने की और पढ़ने की व्यवस्था करें। बच्चों की सेहत के साथ साथ उनके मानसिक विकास के लिए भी तरह तरह के खेल खिलौने सजाए गए हैं, पर ये कोशिश यही खत्म नहीं होती। जेल प्रशासन की माने तो इस पार्क को अभी और विकसित किया जाएगा। जिला कारागार मुरादाबाद पहली जेल बनी है जहां पर चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई है। हमारा ये प्रयास है कि अब इस चिल्ड्रन पार्क में ऐसे खिलौनों की व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में पढ़ना भी सीख सकें, जैसे गिनती, ABCD और ओलम आदि पढ़ सकें, ये व्यवस्था भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये मुहिम अन्य जिला जेलों में भी चलाए जाने की तैयारी है। अन्य जेलों में भी जल्द चिल्ड्रन पार्क तैयार हो जाएंगे। सलाखों के पीछे जिंदगी बिताने को मजबूर इन मासूमों के लिए ये शानदार पहल है। जेल में जिंदगी से उम्मीद का फलसफा सीखकर ये नौनिहाल देश और समाज के काम आएंगे, यही उम्मीद है। जगत गौतम, मुरादाबाद, गुड न्यूज टुडे। तेलंगाना के हैदराबाद टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मकसद युवा उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है और स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना है। भारत की तरक्की को रफ्तार दी जा सके इसके लिए सरकारें लगातार स्टार्टअप पर जोर दे रही है। ऐसे ही सपोर्ट के लिए हैदराबाद में इनोवेशन टी हब 2.0 का आगाज हुआ है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है और भारत का पहला। टी हब की ये नई बिल्डिंग 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बनी है। इसमें करीब 2000 स्टार्टअप की सुविधा होगी। इसे 276 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। टी हब प्रमुख शिक्षा संस्थानों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। टी हब कंपनियों के कार्यालयों और बैठकों के लिए किराए पर जगह देता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप कंपनियों को सलाहकारों और निवेशकों के साथ कनेक्शन जैसी सर्विस मुहैया कराता है।
2015 के पहले चरण में टी हब की शुरुआत हुई थी। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये इनोवेशन इकोसिस्टम को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और एक मजबूत मंच मुहैया कराएगा। सीएम राव ने ये भी कहा कि इनोवेशन कैंपस सभी स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों को ईवी मोबिलिटी हेल्थ टेक इंटरप्राइज बनाने के लिए एक साथ लाएगा। We launched T Hub in 2015 as a commitment to the decision. Today, 7 years later, we are here to start our second phase of expansion to build a resilient startup ecosystem in India. इस कैंपस को लेकर न केवल तेलंगाना सरकार बल्कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी उम्मीद लगाए हैं। उन्हें लगता है कि ये टी हब कई बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए लंच टाइम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।